topic on you. Me? इधर फेफड़े बाहर आ गए मुंह से, इधर हो लगी पड़ी यार, बड़ा भयानक सपना था यार। क्या बात कर रहा है, इतनी हॉट लड़की थी भयानक कायब है। मेरे सपने के बारे में तेरे को कैसे पता है? लो कर लो बात। अबे स्ट्रगलर, ये टीवी इंडस्ट्री है, यहाँ सपना भी शूट करना पड़ता है, समझे? खुश हूँ। गंदे टकले, क्या बोला? गंदे टकले, ये टकला तू गंदा। और आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि पता है हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं उनमें से एक महिला ऐसी है कि तेरे दान पेटी की तरफ प्रस्थान करने से पहले वो तेरे कान में गोली मार देगी। जी हाँ, आज की टीम से मैं आपको मिलाती हूँ। आज एंटरटेनमेंट की रात प्रेजेंट्स टू यू द टीम ऑफ फुकरे रिटर्न। विचा, आपका हाल ही में ना एक फोटो वायरल हुआ था। हाँ। हम इस इंटरव्यू की शुरुआत उस फोटो के साथ करना चाहते हैं। ओके, श्री गणेशाय नमः। रिचा जी का जो फोटो वायरल हुआ वो लगाया जाए। रिचा चड्डा, रिचा फुल पैंट। रिचा, मैं बस जानना चाहूंगी, जनरली हमने चड्डा के आगे मिस्टर और चड्डा के बाद साहब सुना है, किसी खूबसूरत लड़की का नाम उसके पहले नहीं आया, तुम्हें कितना चढ़ाया गया होगा लाइफ लॉन्ग मम्मी के चप्पल के साथ। यार, डैडी का नाम है चड्डा, अनफॉर्चुनेटली बचपन से चढ़ाते हैं तो मैं कुछ इम्यून हो गया। आजकल मैं खुद ही मजाक उड़ाती हूँ, चड्डा चड्डा पहन के आया ऐसे। वैसे हमारे माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं ना रवि, घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित को बुलाया जाता है कि आर से नाम निकला क्या रखें, कहते रिचा रख दो, है ना, पी से निकला पुलकित रख दो। अंग्रेजों में ऐसे नहीं होता, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा नाम रखते हैं। झाड़ी में पैदा होता है बुश रख दो। बच्चा हंसते से पैदा तो माइकल हंसी रख दो। मम्मी का दिल बहका डेविड बैकम रख दो। बाप का मूड बना टॉम मूडी रख दो। ऐसे नाम रखते हैं अंग्रेजों में। मलिष्का, तुमको पता होगा तुम्हारा नाम भी अजीब सा ही है। मेरा नाम बहुत सुंदर है। मलिष्का का नाम पता है सबको, पूरा नाम नहीं, क्या है? मलिष्का मेंडोंसा। मलिष्का मेंडोंसा, पंजाबी ले ही नहीं सकते। पंजाबी बंदे नहीं ले सकते, बैंडा वाले, बैंडा वाले। पंजाबी ले नहीं सकते क्योंकि ये एक साउथ इंडियन डिश लगता है, ऐसा लगता है किसी ने मेंदू वड़ा और डोसा को मिक्स करके बनाया। मेंडोंसा नाम में ही डॉन है। वैसे नाम से याद आया चूचे, अपने नाम के बारे में बता तू हमें, किसी ने खुन्नस में रखा था, कैसे रखा था ये नाम? इतना क्यूट नाम है चूचा, like... देश भर में नाम लो भाजी, स्माइल आती है इससे, क्यूट नाम हो सकता है? नहीं आती, भूख लगती भी चूचा बना के खा लेते। आपका कौन सा अलग सा नाम है बोल रहा है? एक मिनट, तुम बता भाजी, जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो राइटर साहब है, उनका ये खोज थी इस नाम की, जो कैरेक्टर भी है चूचा, वो कभी भी कुछ भी करते रहे तो चूचा, कुछ भी करते रहे तो चूचा। वैसे अरे ले डीप थॉट गया, ऐसे मजाक में थोड़ा ना, कमाल ऐसे लग रहा था ऑडिशन में कर दिया, बोला ये लगता है ये लुक्स लाइक अ चूचा, मैं इतना हंसा था मेंडोंसा पे। पुलकित इतने गौर से हमें देख रहा है, पुलकित मेरी आंखें नहीं हट रही है ना, वो पीछे तू प्लीज मूव से बोलर डालिए एक बार पुलकित के लिए। पुलकित जी, सुना है बचपन में तुम स्कूल में बहुत नॉटी हुआ करते थे। मैं तो अभी भी नॉटी हूं। नहीं पर स्कूल में सबसे शरारती, सबसे नॉटी थिंग तुमने क्या की थी? मेरी मेडिकल रूम में जो टीचर होती थी, एक बार मुझे जेन्युइनली, मैं तो रोज जाता था वहां पर कि बंक करके क्लास वहां पे चला गया, अटेंडेंस लगा दी कि यहाँ चोट लगी है, इधर पेट में गैस है, जो मर्जी आप लिख दो बस मैं घूमता फिरता रहूंगा। तो वो परेशान होगी मुझसे, ये साला रोज आ जाता है। एक दिन जेन्युइनली मुझे लगी है, उसने दवाई लगाने से मना कर दिया कि तू फिर से इसीलिए आया है। मुझे इतनी खुंदक आई, मैं मेडिकल रूम के बेड पे सुसु करके आया था। रवि तुम्हें को मजा आ गया, पंजाबी ऐसे ही बदला लेते हैं। वो मेडिकल टीचर रिपोर्ट में दिया नहीं कि आपको शुगर है। अपने स्कूल का बताता हूँ, इतने बदतमीज लड़के थे, टीचर कहती थी ध्यान दिया करो तो लड़के बोलते थे दे रहे हैं मैडम, आप ही पढ़ाई में लगी हुई हैं। यार
इन दोनों की बकवास चलती रहेगी, प्लीज डोंट पे अटेंशन। इन लोग के ऐसे गांव से आते हैं ना जहां पर अगर इन्होंने एक रेखड़ी देख ली, ठेला देख लिया तो कहते ओह माय गॉड फोर व्हीलर कार। भाई होते ठेले में चार टायर। भाई मेरे को ना वैसे जेन्युइनली इतनी हंसी आई नहीं थी। ये मुझ पर खुन्नस निकाल रहा है अभी। ये मैं बता दूं सबको, वरुण पारी भी उसी कॉलेज से पढ़े जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं। तो हमारे डीएनए में है उसकी बातों पे ना सुना। उनके साथ के साथ हुआ हो के डायरेक्टर ने बोला हो के अभी हम लोग परसों एक इंटीमेट सीन शूट करने वाले हैं, तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है क्योंकि इतना बड़ा क्रू रहेगा वहाँ पे, तीन चार दिन मेंटली प्रिपेयर होता है, फिर एक्शन बोला जाता है, फिर इधर से हीरो ना इधर से आप गए, जैसे होंडो के पास होंडा डायरेक्टर बोल दे कट ये सीन नहीं भी करेंगे चलेगा, घुड़सवारी वाला सीन करते, घोड़ा लेके आओ। प्रेपरेशन तो करते हो ना भाजी, टेंशन तो होती होगी थोड़ी बहुत? नहीं नहीं, हम सारी टेंशन प्रेपरेशन में निकाल देते हैं। Do you know it's not fun at all? आप चार लोग खड़े होते हैं, आपको लगता है सिर्फ हीरो हीरोइन अलग अकेले हैं, नीचे कोई रिफ्लेक्टर लेके खड़ा है, पीछे कोई लाइट दे रहा है, यहाँ से कोई बोम पकड़ के खड़ा है, कोई माइक की वायर एडजस्ट कर रहा है, इसमें क्या इंटीमेसी होगी यार? रूम में कम से कम 50 लोग होते हैं और बोलते हैं लेफ्ट हो जाओ, उसकी नाक से आपकी नाक कवर नहीं होनी चाहिए, तो आपका एंगल कुछ अलग ही बनता है। रिचा के लिए जोरदार सीटियां हो जाएं। क्या बात है। अच्छा मुझे सीटी बजानी रिचा ने सिखाई थी पहली फुकरे में। व्हाट तुम्हें सीटी बजानी आती है? प्लीज यू हैव टू टीच अस। रिचा ने अपनी उंगलियां मेरे मुंह में ऐसे डाली, बोला ऐसे जबान को घुमाओ, अभी ऐसे फूक मारो, ये करो वो करो। वाओ मैं 10 दिन तक जानबूझकर सीखा ही नहीं। पिक्चर खत्म, मुझे मारनी आती थी। कैसे दो कैसे ये उंगली यहाँ, ये उंगली यहाँ, अब ये उंगली नीचे कर दो, हाँ। और ये दो उंगली चढ़ा लो ऊपर वापस, अब जीभ रोल करो। पहली बार मेरे को देख के लड़की ने सीटी मारी है। पाजी लेकिन एक बात बताओ, हाँ। आपने इंटीमेट सीन का क्वेश्चन रिचा से पूछा, पुलके से पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा? एक्चुअली में क्या, हमारे ऐसे लोगों ने रिफ्लेक्टर पकड़ा होता है। बट वरुण पा पता है फिल्मों में तो होता है इंटीमेसी सीन, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और इनको पता होता है कि ये सीन क्या है। हमारी रियल लाइफ में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरी तो होता, आप अपना देख लो। वरुण, हाँ जी, तुम इस फिल्म में स्टार्ट से सपना देखते आ रहे हो और तुम्हारे सपने सत्य होते जा रहे हैं, ऐसी रियल लाइफ में कभी हुआ है कि तुमने कोई सपना देखा है जो सच हुआ है? यार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मैं एक्टर बनूं। तो मम्मी जब बच्चे को कह नहीं देते हाँ चलो ठीक है बेटा बन जाना अभी जा खाना खा लो, तो वो वाला सीन हो गया था। बट करते करते एंड कमिंग फ्रॉम जलंधर एंड यू नो गेटिंग अ चांस टू डेब्यू विद अ फिल्म लाइक फुकरे, थिएटर में इंट्रोड्यूसिंग वरुण शर्मा देखना, तो मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। वैसे सपना इसका भी था बॉम्बे आने का, जो सच हो गया। अब इसके बाप के पास एक ही किडनी है। स्ट्रगलरों की दुनिया। चलो मेरा तो सपना पूरा हो गया वरुण पा, एक ही किडनी है। तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। एक क्या सपना? कि दोस्त तेरे घर पे जाए और पूछे अंकल रघु कहाँ है और बोले बाल कटवाने गया है, कभी पूरा नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बता। इसकी काली काली आंखें गाना सुन के मुझे याद आ गया, इसी की कहानी है। ये इफ ही अग्रीज ये सुनाएगा। नहीं नहीं, इसको सुनाना ही पड़ेगा। अग्री व्यक्ति क्या होता है? सुना दे। कमाल कहानी है, अत कमाल। सुना दे यार, एडिट कर देंगे। तो सामने सेंटर स्टेज, कम ऑन, क्या बात है। मेरे को नहीं डर, मेरे को इस बात का हाइप बहुत ज्यादा होगी, पता नहीं इतनी फनी होगी ना। तो बेसिकली ना मैं एक लड़की को डेट कर रहा था कॉलेज में, तो उससे ना ब्रेकअप हो गया। वो ना बड़ी अग्रेसिव थी, मतलब वो वैसी थी कि अगर उसके घर पे मेरा बॉडी वॉश रह जाए तो घर पे छोड़ने आएगी। बॉडी वॉश रह कैसे जाए पहले ये तो बताओ। एक बारी ना क्लबिंग गए थे, सैटरडे की बात थी, तो हम ऐसे सारे फ्रेंड्स वगैरह ना क्लबिंग। ये ब्रेकअप के बाद की बात है, लड़की को छोड़ चुका है, लड़की गुस्से में आके बॉडी वॉच और लूफा वापस करके गई है, ये ले चलो खाने के लिए। और हम ना एक क्लबिंग गए थे, ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गई, पैसे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के करिए, ठीक है। तो उसके बाद ना हम क्लबिंग गए, तो मेरे और फ्रेंड सर्कल वगैरह सीखे, तो हम सारे ना पार्टी करने गए थे बाहर, तो ऐसे खा पी रहे, फ्रेश लाइम सोडा पी रहे थे और सब चिलिंग चिलिंग कर रहे थे। और ना रेट्रो नाइट थी भाजी उस दिन, तो ना गाना चल रहा था तुरुरु तुरुरु,
ठीक है, तो ना वो जो लड़की ना वो भी एंटर करी और वो ना जो बार टेबल होता है बार उसके वहां पे खड़ी हुई थी, तो वो अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रही थी, ठीक है, छोटे ग्लास में। तीसरा ऊपर से गया पाजी। तो मेरा ना पाजी एक दोस्त है, उसने ना एकदम से ना वो समझ, वो भी अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था, तो ना उसको पता नहीं चला, तो पहले देखा उसको समझ नहीं आया, देखा फिर दूसरी बार देखा समझ नहीं आया, देखा तीसरी बार देखा, कहता हो गया, सीधा गया उसको ऐसे उठाया, कहता मैडम एक मिनट, कहता प्रॉब्लम क्या है आपकी, मतलब आपकी लाइफ चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, शाहरुख खान हमेशा आपको बचाते रहे। बिल्कुल बचाते हैं। तुम वो बचपन में जो किया करते थे सोफे पे खड़े रहकर, वो एक बार देखना चाहेंगे हम, देखना चाहेंगे ना, काली काली आंखें एक बार सोफा पे हो ही जाए। ट्विटर नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत बोलती है, और इस चिड़िया ने आप लोगों के बारे में काफी सारे फैक्ट्स उठाकर हमारे सामने फेंके हैं, सो वी आर गोइंग टू शो यू अ फ्यू तस्वीरें। मेरी, 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 मेरी सारी ट्वीट्स मत दिखा देना, सारी तो हम देख ही नहीं पाए। अच्छा एक ही पे रुक गए, बाप रे। ऑलराइट चलो एक ही दिखाते हैं, लेट्स सी। आहा, अरे ललिती जान, आई एम डेटिंग वरुण शर्मा 90, आई लव यू वरुण। इस पे वरुण का रिप्लाई क्या था मालूम है? क्या? मैंने इस पे रिप्लाई किया था, भाई सारे राज खोल देना मेरे, तू तू तो चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे। ये सच्चा भाई? All right. सच है। ये कब से चल रहा है आपका दोस्ताना? जब से पेपर में मेरे बाकी दोस्ताने आने शुरू हुए। फिल्म का प्रमोशन है भाई, कुछ भी करना पड़ता है, देखो यहाँ भी आए हम, कमाल है, और हम तो फ्री में आए, इनको पैसे मिलते हैं। हमारी फिल्म नहीं ना आती। We're going to play the next game, which is called 5-second game. अब मैं आपको गेम के रूल समझा दूं। 5 सेकंड में आपको मैंने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब देना है। अगर आपने स्किप किया 2 से ज्यादा या फिर जवाब नहीं दे पाए 5 सेकंड के अंदर, तो फिर आपके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे कोपची से पेनल्टीज है। ओके लेट्स गो। रिचा आप बता, वरुण और पुलकित में ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है? Three. ओवर मैं ही हूं तो अंडर करता है वरुण। वरुण सर्टेन। इसके अरमान देखो ना, चूचे को भोली से प्यार हो रहा है। फीलिंग की बात नहीं हो रही है, एक्टिंग की बात हो रही है। बदला लेने का टाइम आ गया। वरुण आप बताइए, ऋचा और पुलकित में से सबसे ज्यादा टेंट्रम या नखरे कौन करता है? 5 सेकंड्स। ऋचा सर्टेन, लाइक फॉर एग्जांपल ऋचा एग्जांपल, वो खाने के मामले में बड़े फिनकी है कि उनको एक सिलेक्टेड चीज ही खानी होती है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ ऑर्डर होता है तो उनको बटर चिकन का पर वीगन बन गई है। मतलब हम तो खाने के मामले में पंजाबी इकलौती ऐसी कौम है वरुण भाजी कि हम लोग जिस मुर्गे की बांग सुन के सुबह उठते हैं ना, शाम को उसी का टकार लेके सोते हैं। पुलकित सीरियस सवाल, सीरियस सवाल। 6 packs और अच्छी बॉडी होने से बॉलीवुड में काम आसानी से मिल जाता है। 5 सेकंड। हाँ। सस्पेंस ने मार ही डाला था भाई। कोई टैलेंट नहीं, तूने भी 6 packs से काम लिया, चल वो तो भाई टैलेंटेड है, उसकी दूसरी आ रही। मैं तो सोच रहा था कि हाँ क्यों बोल रहा है भाई, हाँ इधर तो 12-12 pack 4 साल से अभी तो कुछ काम नहीं मिला। क्या वरुण कभी काम पाने के लिए चापलूसी की है? नहीं। आई लव इट, मुझे इससे प्यार हो गया, बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं पता। ये झूठ हम सहन नहीं कर सकते। इसका जवाब तुम दोगे? इसका जवाब हमारा डायरेक्टर फोन पे दे सकता है। मैं, वरुण, मंजोत और अली, हम चारों में से सबसे ज्यादा कौन चापलूसी करता है? हाँ। जिसके सबसे ज्यादा सीन है। यहाँ बाहर खड़ा होके बोल रहा है भाई मेरे ना पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं क्या करना है शो में, ऐसे ऐसे इतने अच्छे कॉमिक लोग यहाँ पे, तू लुलू। नाइस, बहुत अच्छा भाई, लवली। रिचा ये तुम्हारे लिए, शो ऑफ के लिए बजट से बाहर खर्चा किया है? हाँ ऑफ कोर्स। क्या?
मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ. हाथी के दांत दिखाने के और खाने के. और आई बेट आप सब हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं. साइलेंस पिन ड्रॉप साइलेंस से पता चल गया आपको हम कितने कमाते हैं. नहीं एक्चुअली क्या है आदतें भी बिगड़ जाती हैं. बैग मेकअप गाड़ी जूते माँ बाप बोलते रहते यही घर तो ले लो पहले या जूतों में घर बसा होगे. पुलकित सिर्फ पैसों के लिए कभी पिक्चर साइन की है क्या? ऑफ कोर्स. उसके 5 सेकंड भी नहीं लगता. कौन सी कौन सी बात है लवली? कौन सी बताओ बता. उसके पैसे आ गए थे पिक्चर नहीं आई. अच्छा इंडस्ट्री में तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन सबसे बड़ा कौन लगती है? सजा मिल गई सजा मिल गई सजा मिल गई सजा मिल गई. एक नई हीरोइन आई है. हीरो अब बच गई. अरे यार मैं बात करने से पहले सीरियल करना था हीरो पर ये चिल्ला रहा था. नहीं 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 तुम जवाब दे सकती हो. इट वुड बी ग्रेट. जवाब भी सुन लेगी लेकिन जीरो जीरो है बिकॉज़ दे वांट टू सी यू डू समथिंग. मगर तुम जवाब दे ही दो. मैं तो बोलने वाली थी अभी अभी एक किसी ने डेब्यू किया है. पिछले हफ्ते ही उनकी पिक्चर आई है तुम्हारी सुल्लू में. उन्होंने एक छोटे रोल में लंबी छाप छोड़ी है. उनका नाम है मलिष्का. आई एम टेकिंग अ पेनल्टी बैक. हेलो मजा मैरिट ब्यूरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारा काम धंधा एकदम भोकाल में चल रहा है क्योंकि इंडिया में क्या है कि देखो शादी तो आए दिन होती रहती है. हम जैसे लोगों आई ला फोन आया. अरे बलराज भैया. हेलो भाई. हाँ भैया. यार भोली पंजाबन से शादी करा दे मेरी. भैया भोली पंजाबन से शादी करेंगे जी. अच्छा एक मिनट रुकिए जरा एक मिनट. हाँ इसी में बात कर ले भाई. नहीं भैया सोचा कि जी भर के एक बार आपको देख लें बस. देखिए बलराज भैया होता क्या है हम आपको बताते हैं. सिग्नल के ऊपर कभी गाड़ी रुकती है भिखारी आपके पास आता है. अगर भिखारी पलट के आपसे 5 लाख रुपए की भीख मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बलराज भैया क्या है कि खाब में और औकात के बाहर के खाब में फर्क होता है. ये वाला औकात के बाहर का खाब है. वैसे देखिए ऋचा ऐसे चिरकुट लोगों का फोन आता है हमारे पास में. खैर आज आप आई हैं तो आपके साथ में 2 लाइनें कहना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो. आज करें इरशाद. आज किया है बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल. देखिए ऐसा है हमारी गलती नहीं है. आपको देख के अच्छा चोगा नवाज निकल जाता है. अच्छा जोक सपाट आपसे एक सवाल पूछना था. ये साला चक्कर क्या है? पहले आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर 1 की फिर गैंग्स ऑफ वासीपुर 2 की उसके बाद तमंचे की अब पटाखा हो तो क्या सारी धमाकेदार पिक्चरें करोगी? हमारे भाई पुलकित सम्राट आए हुए जोरदार तालियां बजा भैया पुलकित सम्राट के लिए. यार तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़े ज्ञान की बात हमको पता चली है. क्या? कि तुम फ्रेंच किस के बहुत बड़े शौकीन हो. अरे हमें क्या मालूम आप भी फ्रेंच किस के शौकीन है. जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में हो तुम्हारे बगल में बैठे करना तो उनको चुनो. ऐसा है भाई हम तुमको एक राज की बात अपने जीवन से बताते हैं. बताइए. हमारे यहाँ यानी कि देवरिया में केवल एक ही टाइप की किस होती है. कौन सी? ताबड़तोड़. मतलब तब तक लगे रहो जब तक कोई आके तुम्हारे होठों पे डंडे ना मारे. वैसे हम लोग बहुत चाहते थे कि आप लोग पहले एपिसोड में आए खासकर आप वरुण लेकिन चैनल वालों ने मना कर दिया यार. अरे क्यों? क्यों कहते हैं कि हमें पहले एपिसोड में चूचा नहीं चाहिए. चूचा 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 नाम कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा आदमी किसी रिक्शीन के गड्ढे पे बार बार उठक बैठक कर रहा हो. बैठो तो चू उठो तो चा. That's the spirit. That's the spirit. वो लेमन सोडा वाला that is the spirit.
यार पंजाब के लोग एकदम अलग होते हैं मंजोत, मतलब जहां जाते हैं माहौल बना रहते हैं। दे आर सो टैलेंटेड, दे आर सो एंटरटेनिंग, दे आर सो लवली। मंजोत तुम तो लखनऊ से हो ना? दिल्ली। अली फजल, सबके बारे में हमने बात कर ली, खाली तुम्हारे बारे में बात नहीं की। तुम भी सोच रहे हो ऐसा क्या है यार? मैं तुमको बता दूं, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी हो तुम, यू आर वेरी टैलेंटेड, देश विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हो तुम, हा? और मैं कंपटीशन से बात नहीं करता। अब देखते हैं कि हमारे ले लो मजा मैरिज ब्यूरो में कौन अपने हाथ पीले करवाने के लिए आ रहा है। ले लो मजा मैरिज ब्यूरो यही है? यहाँ यही कहिए, क्या करें आप? कुछ कुछ खाएंगे? पान खाएंगे? ओके ओके, तो ये ले जा। अरे ऐसे मत रिएक्ट करिए भाई, ये तो हम निकाल के फेंक रहे थे। आपको पान चाहिए? ओके, सेट से बाहर निकलिए, चौराहे तक जाइए, वहां से दो लेके आइए, एक हमारे लिए। कहिए, कोई बात नहीं, कहिए कैसा लड़का दिखाए आपको? मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे सपनों का राजकुमार हो। देखिए वैसे लड़के ना ऋचा जैसी लड़कियों को मिलते हैं। टाइगर को फुंसी हो गई है, टाइगर को दांत का खुजली है, उसकी पॉटी नहीं रुक रही है। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए कैसा लड़का दिखाएं आपको? पुल की जैसा हैंडसम लड़का मिल जाएगा तो मैं रेडी हूँ। पुल के सम्राट जैसा? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहा? देखिए आपके शक्ल सेनापति जैसे, सम्राट से शादी करना चाहती है। बच्चे पुल के सम्राट, हमने जोधा अकबर देखी, आप उसमें नहीं थे। हमने बाजीराव मस्तानी देखी, आप उसमें नहीं थे। हमने बाहुबली 1 बाहुबली 2 देखी, महिष्मती में आप कहीं नहीं थे। हमने कटप्पा की दाढ़ी उठा के देखी, उसके नीचे भी आप नहीं थे। साले सम्राट कहाँ के हो तुम? बस तुम एक बार इनसे मेरी शादी करा दो, फिर मैं आशा सम्राट बन जाऊंगी। आशा सम्राट बनेंगी आप? एक मिनट रुकिए जरा मैडम, एक मिनट। हाँ यहाँ बैठिए 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 बैठिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, देखिए हम तो करा देंगे आपकी शादी। हाँ। आप आशा सम्राट बन भी जाएंगी। okay. मगर आशा सम्राट। हाँ। आशा सम्राट थोड़ा खुद ही सोचिए, ऐसा लगता है किसी ने भिंडी की रेड़ी के आगे मर्सिडीज को टोचन कर दिया। देखिए हम केवल इतना कह रहे हैं आपसे, ये सम्राट वम्राट का चक्कर छोड़िए, आप कोई दंजानी वंजानी पकड़िए। एक मिनट। ये देखिए एक लड़का है हमारे पास आपकी नजर में। ये कौन है? लपड़ झंडूस। लपड़ झंडूस? लपड़ झंडूस? वाह आशा, मान गए किसे? आपकी पार की नजर और घटिया एंकर दोनों को हटाओ साले को। खैर देखिए अगर आप किसी को ना बताएं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। सच्ची? बताओ। देखिए अगर आप चुपके से सुमड़ी में हमको 500,000 रुपए का चेक दे दें Okay. तो हम आपकी शादी पुलकित सम्राट से करा सकते हैं। हाँ? जी हाँ। तो ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। ये लीजिए 500,000 का चेक। 500,000 का चेक जी। चलिए अब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपकी समस्त चिंताएं आप हमको दे दीजिए। आप जाइए मेहंदी वालियां पकड़िए, बैंड वाले पकड़िए, जोड़ा तालियां हो जाए भैया, इनके लिए 500,000 का चेक देके जा रही है हमको। जरा एक बार चेक तो देख रहे हैं। छोटा मैना बैंक, छोटा मैना बैंक, घोसला का घोसला रोड, चुहिया पार्क। अरे शेंडी लगा गई हमको आशा नेगी। अरे जा मैरिज ब्यूरो वालों की तुमको एक साफ है, तेरी सुहागरात में मेंढक कूदेंगे। अबे जा जा। तेरे चेहरे पे छुआरे से बड़े बड़े पिंपल होंगे। अबे चल। तेरी शादी ऋत्विक गंजानी से ही होगी। अरे ये 500,000 रुपए क्या है भाई, ये 500,000 रुपए रॉन्ग कलर्स के ऑफिस में सिंघाड़े बेच कर इकट्ठा कर लेंगे। हमारा नाम रवि दुबे है, रवि दुबे हमारे साथ, पूरा चैनल पूरा ऑप्टिमिस्टिक खड़ा है। जय राजनायक पायलाकू जचू जॉर्ज। तेरे से सीनियर हूँ, इधर आ। तुझसे 2-3 वेकेशन ज्यादा ही देखे हैं मैंने, तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ।
तो डायपर में शूट खत्म हो जाएगा यार। तो प्रोडक्शन से मंगवाना बिंदास। जब इनकी इनकमिंग में खर्चा हो सकता है तो हमारी आउटगोइंग में नहीं हो सकता। क्या करना है? अब भी काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मेहमान आई है ना उनकी बिना बात की तारीफ करनी है, फुल चापलूसी। बंदे की फिल्म 19-20 हो ना, हमने ये बुरा नहीं कहना, हमने कहना है फिल्म सेमी हिट थी। और रिचा दीदी पुलकित भैया कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकना चाहिए। और अगर थक गया तो फ्रैंक हो जाना, कहना हे रिचा हे पुलकित। वो जो दिख रहे हैं ना दीदी के साइड में, वो है मंजोत भैया। देखिए दूसरी कौन सी, भाग मिल्खा भाग, उसमें उन्होंने फरहान अख्तर के बचपन का रोल किया था। अबे वो दूसरे हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, वो बच्चे हैं ना, अभी से इतना पता नहीं है। खैर अल्ली भैया की बात क्यों नहीं की तूने? अब हम स्क्रिप्ट याद करें उनका करियर ग्राफ। अब अच्छा बोलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, चल बोल कुछ अच्छा बोल। अली भैया ने इतनी अच्छी फिल्म किए, उनने हॉलीवुड की फिल्म भी किए, थ्री इडियट्स भी किए उनने। ओह तो पुलकित भैया ने भी फिल्में की है, एक फिल्म थी उनकी बैंगिस्तान। हाँ हाँ मुझे पता है, उसमें पुलकित भैया टेररिस्ट बने थे, दुश्मन देश की जासूसी करने जा रहे थे। तुझे पता है कितना मुश्किल होता है देश के लिए जासूसी करना? अबे मेरे तो खुद के दादाजी रॉ एजेंट थे, दुश्मनों ने खुफिया जानकारी के साथ पकड़ लिया, पूरी रात उन्हें उल्टा लटका कर भोली पंजाबन की तरह टॉर्चर किया, लेकिन मेरे दादाजी ने अपना मुंह नहीं खोला। वाह, अरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, वाह नहीं। सुपर्ब यार। यार कितने बड़ी बड़ी छोरे फुकरे गई क्या? अबे छोटू हम पंजाबी लोग हैं, हम फुकरे नहीं हम सीधे होते हैं, क्यों चूचा भैया? बिल्कुल सही भाई, है ना? आपको मतलब मुँआ। लेकिन पूरी दुनिया में हमें सबसे अच्छी जगह एक ही लगती है, वो क्या? एयरपोर्ट, यानी कि जहाजों का अड्डा। मतलब हमें इस बात का दुख नहीं होता कि हमारा भाई 10 साल के लिए कनाडा जा रहा है, जबकि इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि उसे छोड़ने एयरपोर्ट जाएंगे। यार हम तो ना इतने ज्यादा सीधे होते हैं कि हमारे मुर्दे के कान में बोल दो ना वो जहाज, उसकी भी मुंडी उड़ जाती है कितने। हाँ यार ये तो मैं भी देख चुका हूँ, मंजोत भैया बहुत बोले, परसों फिश टैंक में से मछली उतार दी, तो कह रहे देख कितनी तड़प रही है, बारा के इतनी खुश है, डांस कर रही है, ले टॉवेल बदन पोछ ले। जैसी तड़प उस मछली में है वैसी मुझ में भी है एक्टिंग की, अब हम कब फिल्म में करेंगे? अरे कब क्यों, अब भी मोगन फिल्म दीवार का सीन खराब करते हैं। तुमन अमिताभ बच्चन ने बताओ शशि कपूर ठीक है भाई, भाई मैं जाना चाहता हूँ। कॉमेडी का रास्ता बहुत टफ है, अभी तुम छोटे हो क्यूट दिखते हो पंच ना फूटे चलता है, और लेकिन कुछ सालों बाद जब बड़े हो जाओगे मुझे निकल आएंगी क्यूट भी नहीं रहोगे, तब क्या करोगे? आए मेरा तो फिर भी चल जाएगा, थोड़ा ठीक दिखता हूँ, तुम क्या करोगे? गुड एक्टिंग गुड बाय गुड, अब देखना ये लोग हमारी सिफारिश जरूर करेंगे फिल्मों के लिए। यार क्या थिंकिंग है तेरी, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स से याद है, इस बॉक्स से भी कुछ निकालेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ले। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास, जैसे कि ये अंदर की बात चिप, इसे लगाते ही मुंह पे चाहे आप कितना मीठा बोलो लेकिन ये अंदर की बात को गाने के रूप में प्रकट करेगा। मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए, मुंह पे तो बोल रहे हो थैंक यू भाई थैंक यू, बस 3 दिन में तेरे को पैसे लौटा दूंगा, और अंदर चल रहा है अबे हमें तो कुछ नहीं आता है। क्या क्या था ये? बड़ों के फुकरे बनेंगे हमें, कॉम्प्लेक्स हो गए, बड़े होने की भी जरूरत नहीं है।
थैंक यू दिव्यांश, थैंक यू कियान, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, क्या बात है यार, अमेजिंग। इधर क्या चट्टा? कोयली का अमृतपुरी देखा है? ओए ओए ओए! कैसी लगी मिमिक्री? एक्चुअली रवि ने बोला था भाई मिमिक्री सिखा देना अमृतपुरी की, अब बिजी आदमी को टाइम नहीं मिलता तो चलते एक्ट में सिखा दिया। अरे अरे भाई साहब, ये यार ये आपका शौचालय यूज किया था ये 2 रुपए? यहाँ शौचालय नहीं है, कोई निकल यहाँ से। शौचालय नहीं है? नहीं। तो फिर ये लोटा काय को रखा है? हेलो वरुण। How are you? Very good. I'm your big fan, Varun. I'm also a big fan of yours. I Hello, don't know Varun. How Varun Dhawan. Hello. Hello. अरे यार, एक तो ये फोन रखो नहीं ना तो ब्लूटूथ काम नहीं करता है। सही है भाई, सही है। अरे भैया, फुकरे रिटर्न आए हैं, फुकरे रिटर्न आए हैं। क्यों रिटर्न आ गए? बस नहीं मिली? वरुण, इस बार आपको बोल रहा हूँ। पक्का? पक्की बात है। वैसे आपकी फिल्म में आपको वो टेजा, क्या टेजा, वो तेजा चू होता है आपको। मेरा भी ऐसी है एक्चुअली। मैं भी जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ ना, वो मर जाता है। नहीं नहीं, मेरा मरता नहीं है भाई। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, रघु को बता रहा हूँ, जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ ना, वो टपक लेता है। अरे 3-5 नहीं करना, तेरा सिर्फ अंडा बनाऊंगा। की मारी, बहुत अत्याचार हुआ है मेरे साथ, बहुत बहुत अन्याय हो रहा है। मत रो मत रो मत रो, अरे कितना कुछ सहोगे। आओ आओ, जादू की जप्पी दो। क्या कहा? बदतमीज बुड्ढे। बदतमीज बुड्ढा नहीं बोलना, अभी पेंटिंग बना के यही खत्म कर दूंगा। हाँ, तुम वही हो ना जो मतलब जिसकी पेंटिंग बनाती हो वो मर जाता है? हाँ बिल्कुल सही। आप बताइए, आपको किसकी बनवाना है? मुबीन सौदागर की। मुबीन सर की पेंटिंग? ओहो हो, मुबीन सर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? वो मुझे लाइन नहीं देता। अच्छा, नहीं नहीं, लाइन तो वो आपको पहले एपिसोड से दे रहा है, लेकिन आप एक्ट में मांग रही हैं। शट अप यार, तुमसे बहुत अच्छा तो रवि है, कम से कम वो स्क्रिप्ट में आशा को लाइनें तो देता है। हाँ यार रवि, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी अपने 4-5 एपिसोड हो गए, मैं मार्केट में गया था रिव्यू लेने शो का, क्या रिव्यू है। तो लोगों से मैंने पूछा, भाई रवि कैसा कर रहा है? तो बोले, रवि पहले जैसा करता था अभी भी वैसे ही कर रहा है, वही भोजपुरी। जिंदगी चंडवा बाबू, फिर भी कमंडवा बाबू। आए तो मैं उनको बोला, भाई भोजपुरी वाला रवि किशन नहीं, अपना रवि दुबे। तब उन्होंने कहा, भाई एंटरटेनमेंट की रात का तो एक ही स्टार है, मुबीन सौदागर। थैंक यू। वैसे मैंने इन दोनों के बारे में भी पूछा था, पता है लोगों ने क्या कहा? क्या बोला? कि ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। मुबीन, अरे यार यार भाई, मेरी दोनों उंगली फेमस हो गई, तुम कब फेमस हो गए? प्लीज, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पहले कहा था चैनल को, ये सीरियल वाली को मत लो, ये मजाक के मूड में कभी आती नहीं है। यार, मतलब हद हो गई, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं बोल रही हूँ आपको, उसे रोकने के लिए कुछ कीजिए। अच्छा, नाम क्या है? टॉमी। ये आपके पति का नाम है? हाँ। ओहो, तो कुत्ते का नाम क्या है? करण। करण, प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम यही है कि वो घर मेरे नाम पे नहीं कर रहा, इसीलिए तो उसकी पेंटिंग बनवाने आई हूँ। वैसे दिखता कैसा है ये बताइए? हाँ, ये ऐसा। अच्छा ये, अरे यार इसको गायब करवाने की क्या जरूरत है, 3-4 एपिसोड रुक जाओ, अपने आप हो जाएगा। नहीं, मैं इतना रुक नहीं सकती। क्या? मैं इतना थक। ये जो वाह, क्या ये जो फंबल मारा है ना इसने, ये ये तो रुक सकता है, मेरे ख्याल ये नहीं रुक पाएगी। एनीवेज, पेंटिंग रेडी रखना, मैं शाम को आके ले जाऊंगी। ओके भाई, देखा? तो एक मिनट यार वरुण, तेरा लाइम सोडा बड़ा अच्छा है यार। अरे अली भी आया है, ये अच्छा लड़का है, ये देख हॉलीवुड जाके भी अपने फुकरे दोस्तों को साला नहीं भुलाएगा। क्या ये बात कर यार,
लेकिन बेटा ये गलत बात है, इतनी अच्छी बॉडी है, इतने खूबसूरत हो, इतने हैंडसम हो, ये छोड़ क्यों नहीं देते? क्या बोतल? नहीं नहीं एक्टिंग। तू पेंटर है ना? हाँ। तू ऐसा कर, मेरी बीवी की फोटो बना, क्योंकि मैंने सुना है तू जिसकी फोटो बनाता है वो मर जाता है। बताओ कल क्या किया उसने? क्या किया? ऐसा मेरा बर्थडे था कल, हाँ, तो ऐसा हड्डी के शेप का केक लेके आ गई। मैंने कहा ये क्या है? कह रही कमाल है, टॉमी को गोल केक दिया था उसने तो प्रॉब्लम नहीं की। सालों को सालों लाइन दिया करो जिसमें हंसी आए, लोगों को हंसी भी नहीं आती हमें। ये तूने चिपकाई ना लाइन मेरे को? अब मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने क्यों दिया। हाँ ठीक है, पेंटिंग बना देंगे भाई साहब, ठीक है, पैसा क्या क्या दे क्या आप सकते बताओ हो? आपको क्या चाहिए भाई साहब? ये प्रॉपर्टी के पेपर भी मैंने बनवाए थे, इन पे साइन कर दो। क्या प्रॉपर्टी के पेपर है? आपकी है, आप हैंडसम हो, आपकी फिल्म आ रही है हिट स्टोरी 4, आप तो कमाल हो गए। साइन कर दो, ये लो। थैंक यू। ये जो ड्रैग हुआ इसके लिए माफी चाहता हूँ अभी। और ये मेरी पार्टनर आ जाओ, मुझे पता है ये हम दोनों ने मिलके प्लान बनाया था तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। एक मिनट, इधर सेंटर में आना। ये प्लान का आइडिया कैसे आया तेरे को? अरे वो अब्बास मस्तान की हमराज पिक्चर नहीं देखे तुमने? ओ हाँ, जिसमें वो था, क्या नाम था हीरो का? अच्छा मैं बताता हूँ, वो मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। ये तो ताल का डायलॉग है बे। अरे लेकिन चला यही था ना। अच्छा मानसी, चलो फुकरे रिटर्न देखने चलते हैं। 8 दिसंबर को आ रही है वो। अरे नहीं नहीं, उसका प्रोमो आ गया है, चलो आज प्रोमो ही दिखा देता हूँ। दिखाओ, ट्रेलर देखो। So bring it on. I'm ready. Are you ready? I was ready yesterday. Drop the beat. Yeah, baby. आज हमारे शो में देखो रिचा चड्डा आई है, करे कैरेक्टर कोई भी, मचा देती है तबाही है। नाम भोली पंजाबन पर गाली कस के लगाई है, नाम भोली पंजाबन पर गाली कस के लगाई है, सच बताइए हीरोइन बनना है या हफ्ता लेने आई? फैन मुझ पे मरेगा, औरों की तरह नाची तो एक्टिंग कौन करेगा? आदित्य सोन, सुन रहा हूँ। आदित्य सोन फिल्मों में कोई बनता कोई उजड़ता है, खिल्ली उड़ा के कुछ नहीं मिलता, काम पकड़ना पड़ता है। Who's next? टैग किसको करने मेरे को? Come on, आदित्य! आदित्य बना दे! फिल्मों में सब आते हैं बनाने को नाम ऊंचा, फिल्मों में सब आते हैं बनाने को नाम ऊंचा, चूचा से तो हिट हुआ फिर से बन गया चूचा। सच अ डाइवर्स एक्टर। तुझसे मिलने को वरुण अरमान मचल रहे हैं, तुझसे मिलने को वरुण अरमान मचल रहे हैं, तुझसे ज्यादा पर्दे पे तेरे सपने चल रहे हैं। Make it good. नाम अपना बनाने को कई मोड़ आएंगे कहानी में, नाम अपना बनाने को कई मोड़ आएंगे कहानी पे, बचपन में तूने नाम बनाया डुबो दिया जवानी में। एक फिल्म में ही तूने है कुछ ऐसी इमेज बनाई, एक फिल्म में ही तूने है कुछ ऐसी इमेज बनाई, देख के तुझको सब कहते हैं आगे बढ़ जाना भाई। रीले रीले। ओह माय गॉड, मेंबर नंबर 3। आपका स्वागत करते हैं हम सब पुलकित सम्राट, आपका स्वागत करते हैं हम सब पुलकित सम्राट, फिर आई फुकरे आपकी फिर से होंगे थार। फिल्मों में ये मस्ती करता है यहाँ भी मस्ती करेगा, फिल्मों में ये मस्ती करता है यहाँ पे भी मस्ती करेगा, रैप बैटल के नाम पे कहीं कुश्ती तो नहीं लड़ेगा? ऊपर नीचे तो चलता है पर मैं कभी घबराता नहीं,
आजकल तो बच्चों के भी शो में तू नजर आता नहीं। और सीजन खत्म हो गया है। फुकरे रिटर्न्स आई है, सब पे ये छा जाएगी। फुकरे रिटर्न्स आई है, सब पे ये छा जाएगी। एक बात बता आदित्य भाई, तेरी दूसरी फिल्म कब आएगी? कमिंग सून, कमिंग सून। बहुत जल्द। फुकरे रिटर्न्स खूब चले, हम दिल से दुआ करते हैं। हंसी मजाक खूब हुआ, चलो माइक ड्रॉप करते हैं।